नमस्कार एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह क्लासिक साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन का ए है विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म्स किस तरह के कूड़े को रेड वॉर्म्स कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे तो आपको याद होगी ये एक्टिविटी जिसमें हम रेडवॉम से वर्मी कंपोस्ट बना रहे थे उसमें हमने बहुत तरह के वेस्ट डाले थे तो इसमें से कुछ ऐसे वेस्ट थे जो रेडवॉर्म के द्वारा वर्मी कंपोस्ट में चेंज नहीं हुए थे तो वे कौन से थे सो so, वे सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे जैसे कि पीसेस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ पोलिथीन बैग ब्रोकन ग्लास एल्यूमिनियम रैपर्स नेल्स ब्रोकन टॉय सो ये सारे कम्पोस्ट में नहीं बदल पाएंगे रेडवॉर्म के द्वारा कैनोट बी कन्वर्टेड इन टू कम्पोस्ट बाई रेडवॉम अगला क्वेश्चन हैदर ऑर्गेनिज्म रेडवॉम इन योर पिट तो ये जो गड्ढा हमने बनाया था इसमें रेडवॉर्म के अलावे और कौन से ऑर्गेनिज्म है तो बिसाइड्स रेडव देर आर स्पाइडर्स मकड़िया है स्मॉल बर्गस छोटे कीड़े है फ्लाईज मॉल्ड एंड स्मॉल इंसेक्ट मक्खी है छोटे कीड़े है सो ये सारे दिखते हैं हमारे इस गड्ढे में कम्पोस्ट इज ऑल्सो रिच ऑफ माइक्रोव कम्पोस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख पाते तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हम रेडव के अलावे अपने गड्ढे में देख पाते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट तो गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना क्या केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसा नहीं है क्योंकि गार्बेज हमने क्रिएट किया है सो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें प्रॉपरली डंप करें सो द आंसर इज नो गार्बेज डिस्पोजल इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स जॉब वी प्रोड्यूस गार्बेज सो इट इज आवर ड्यूटी टू डिस्पोज इट प्रॉपरली गार्बेज डिस्पोजल केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है केवल गवर्नमेंट का जॉब नहीं है क्योंकि हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे सही तरीके से डंप करें डिस्पोज करें डिस्ट्रॉय करें we can try टू reduce रीयूज एंड recycle द products whenever possible पॉसिबल तो गार्बेज में से जिन चीजों को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं या फिर गार्बेज को हम जितना कम कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर पाए हम गार्बेज को गार्बेज के सामान को दोबारा से कुछ और बना के यूज कर लिया तो अगर ऐसा कर पाते हैं हम गार्बेज के साथ तो हम उसे रिड्यूज कर पाएंगे और गार्बेज डिस्पोजल में हमें मदद मिलेगी अगला क्वेश्चन है की इज इट पॉसिबल टू रिड्यूज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तो गार्बेज को डंप डिस्पोज एंड डिस्ट्रॉय करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है क्या उसे कम किया जा सकता है सो so, आंसर है कि यस इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज टू अ लार्ज एक्सटेंट बहुत हद तक गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें कम किया जा सकता है वी शुड यूज दो मटेरियल आर रिसाइकलेबल एंड अवॉइड और रिड्यूज द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हमें ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिसाइकल हो जाने वाले हैं और हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज करने से बचना चाहिए वाइल्ड थ्रोइंग आउट गार्बेज इन कैन वी शुड सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड थ्रो देम इन सेपरेट बिन कूड़ा फेंकते वक्त हमें ऐसे मटेरियल्स जो कि डिग्रेड हो जाने वाले हैं मिट्टी में फेंकने के बाद मिट्टी में मिल जाने वाले हैं और वैसा जो डिग्रेड नहीं होने वाले हैं उन्हें अलग अलग करके अलग bins, अलग बिन्स अलग अलग कूड़ेदान में फेंकना चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम घर पे बचे हुए खाने का आप क्या करते हैं तो इसका आंसर हो सकता है कि वी यूज लेफ्ट ओवर फूड टू फीड द एनिमल्स हम जानवरों को खिलाने के लिए उस खाने का इस्तेमाल करते हैं अगला क्वेश्चन है इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई एक पार्टी में आपको चॉइस दी जाती है कि आप प्लास्टिक के प्लेट में खा सकते हैं या फिर एक बनाना लीफ के प्लेट में खा सकते हैं तो आप क्या चुनेंगे और क्यों सो so आंसर है कि बनाना लीफ इज अ बेटर चॉइस हमें बनाना लीफ चुनना चाहिए यह एक बेहतर चॉइस है बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिस्पोज इजिली क्योंकि बनाना लीफ को डिस्पोज किया जा सकता है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है ऑन द अदर हैंड ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट इज नॉट गुड एज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इट कैनॉट बी डिस्पोज इजिली वहीं अगर आप प्लास्टिक के प्लेट में खाएंगे तो उसे इजिली डिस्पोज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमें बनाना लीफ चुनना चाहिए

और उसका साइज भी थोड़ा थिक होता है वो मोटा होता है अगला क्वेश्चन है कलेक्ट डिफरेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल वट वाज द पर्पज फॉर विच ईच वन वॉज यूज डिस्कस इन ग्रुप्स तो हमें अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल पैक करने के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स को इकट्ठा करना है और ये डिस्कस करना है कि वे किन कामों में यूज हुए थे सो so, इसका आंसर है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड आर सबसे पहला है प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक बैग लगभग हर तरह की चीजों को पैक करने के लिए यूज होते हैं बट नाम के लिए हम शॉपिंग बैग्स सारी बैग्स टॉय कवर्स तो ये सारे इस्तेमाल है प्लास्टिक बैग के अगला है जूट बैग्स तो जूट बैग स्कूल बैग्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं शॉपिंग बैग के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं वेजिटेबल बैग के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं अगला है वुडन बॉक्सेस लकड़ी के डब्बे ये फ्रूट रखने की टोकरी के रूप में इस्तेमाल होते हैं और हार्डवेयर रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हमें प्लायर्स या स्क्रू ड्राइवर्स रखना होता है तो हम वुडन बॉक्सेस प्रेफर करते हैं अगले हैं कार्डबोर्ड्स तो कार्डबोर्ड्स जूता रखने वाले बक्से बनाने के रूप में या बलू का कवर बनाने के लिए या साबुन की पैकेजिंग में कार्डबोर्ड के बक्से इस्तेमाल किए जाते हैं अगला क्वेश्चन है गिवे एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें पैकेजिंग को कम किया जा सकता था इन मेनी केसेस लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इज यूज लेकिन उतना जरूरी नहीं है सम ड्रेसेस कम पैक्ड इन प्लास्टिक केसेस विच आर मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पैक्ड मटेरियल कुछ ड्रेस प्लास्टिक के डब्बे में रखे आते हैं और वे प्लास्टिक के डब्बे प्लास्टिक के डब्बे के अंदर जो सामान रखा है उस आकार का बनाया जाता है

टूडे रिधिज बर्थडे आज रिधि का जन्मदिन है शी हैज इनवाइटेड मेनी फ्रेंड्स फॉर पार्टी। उसने बहुत सारे दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया है ऑल द फ्रेंड्स दोस्तों ने उसके लिए गिफ्ट लाए हैं रिधिज पेरेंट हैल्सो परचेज रिटर्न गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स रिधि के पेरेंट्स ने उसके दोस्तों के लिए भी गिफ्ट खरीदे हैं। वंस द बर्थडे पार्टी इज ओवर रिधि सिट्स ऑन एसकाउच एंड ओपन ईच गिफ्ट टू सी वट इज इन साइड जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद रिधि सोफे पर बैठ के अपने गिफ्ट को खोल रही है और देख रही है कि उसके अंदर क्या है विद इन नो टाइम हर होल रूम वॉज फुल ऑफ एम टी कार्टून कार्डबोर्ड बॉक्सेस सेलोफेन्स रिबन एक्सेट्रा कुछ ही समय में रिद्धि का पूरा कमरा कार्टून कार्डबोर्ड बॉक्सेस रिबन इन सारी चीजों से भर जाता है हैड टू पैक द गिफ्ट गिफ्ट की पैकेजिंग से रिद्धि का पूरा कमरा भर जाता है रिद्धि इज वरी डेट रिद्धि अपने रूम में फैले इस कचरे को देख अब चिंतित है तो ये जो पूरा पैकिंग के लिए यूज हुआ कचरा है इसे कम किया जा सकता था तो आप ऐसी एक कहानी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कम्पोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वाई क्या आप सोचते हैं कि कंपोस्ट को यूज किया जाना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे और अगर हाँ तो क्यों सो so, आंसर है कि यस इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज कम्पोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमेशा कंपोस्ट को इस्तेमाल करना केमिकल फर्टिलाइजर के मुकाबले बेहतर है कंपोस्ट इज ईजियर टू प्रिपेयर दैन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट कंपोस्ट को बनाना आसान है केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले और कंपोस्ट इन्वायरमेंट को भी गंदा नहीं करता तो ये कारण है कि हमें कंपोस्ट यूज करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे तो इसी के साथ खत्म होता है आपके चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय